नमस्कार दोस्तों, मीरा मेहता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। हलवे के लिए मैंने ये लिया है एक कटोरी आटा, और आटे का 1/4 मैंने सूजी ली है, एक कटोरी चीनी ली है, जो मैंने 1/4 सूजी ली थी उसका भी मैंने हाफ बेसन लिया है, यानी मैंने ये 2 स्पून इस बेसन के लिए है, और इसके साथ पिस्ता, नारियल है ये घिसा हुआ है मैंने, बादाम है, किशमिश है, और ये देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, जो जिसमें भी आप बनाते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि देसी घी यूज़ करना है, ऑप्शनल है जो भी आप यूज़ करते हैं। और एक कटोरी मैंने ये लिया है तो आटा लिया है, 1/4 सूजी है, और ये थोड़ा बेसन है, तो इसके साथ हम 3 कटोरी पानी जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं हलवा बनाना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी, ये मैं देसी घी में बनाने जा रही हूँ, और घी हमें इसमें इतना डालना है कि इसमें जो हम आटा अच्छे से इसमें भून जाए। ये आटा 1 कटोरी ले लिया था मैंने। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सूजी भी ली है, आटा भी लिया है, और बेसन भी लिया है, तो सबसे पहले हम आटे को भूनेंगे, क्योंकि आटा थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अभी मैं गैस फ्लेम को स्लो कर रही हूँ, पहले तेज किया हुआ था, अभी इसमें घी थोड़ा और डालेंगे, क्योंकि इसमें ये कम लग रहा है, क्योंकि जब तक घी इसमें प्रॉपर नहीं होगा तो ये ठीक से भूनेगा नहीं। इसको फ्लेम को बीच बीच में हम तेज भी करेंगे और स्लो भी करेंगे, और ये ध्यान रखना है आटा जलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आटे में जो रंग आएगा जितना हम स्लो फ्लेम में करेंगे उतना अच्छा ये पकेगा और इसमें कलर आएगा। और जैसे कि आजकल आपको मालूम ही है, कोरोना की वजह से बाहर सब खाना पीना सब बंद है, और इसलिए सोचा कि आप चलो हलवा बनाते हैं, क्योंकि अक्सर बाहर लोग कोई गुलाब जामुन, कोई मिठाई, रसमलाई सब खाते हैं, तो घर में आज हलवा बनाते हैं, और ये हेल्दी भी है, पौष्टिक भी, और घर में बना हुआ है तो वैसे ही फिर इसमें और 4 चांद लग जाते हैं, तो इसलिए ये हलवा हम बना रहे हैं घर में। अब इसको हम आटे को ही पहले भूनेंगे। आटा हमारा ये भून गया है, अभी पूरा तो नहीं भुना है, क्योंकि अब सूजी भी डालनी है, तो इस हिसाब से आटा उतना हो गया है कि अब हम इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। अब सूजी को हम अच्छे से आटे के साथ भूनेंगे, क्योंकि जो आटा है वो टाइम लेता है भूनने में, और सूजी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए अब ये सूजी के साथ थोड़ी देर हम इसको स्लो में ही भूनेंगे। ये ध्यान रखना है, अब हमने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, जितना ये स्लो में भुनेगा उतना ही ये हलवा हमारा खिला खिला दानेदार बनेगा, फर्स्ट क्लास हलवा बनेगा। आटा और सूजी ये अच्छे से भुन गया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 10 से 15 मिनट ये आटा मैंने भुना था, क्योंकि अगर आटा मोटा हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है भूनने में, और स्लो फ्लेम में ही मैंने भुना। उसके बाद सूजी को भी 10 मिनट स्लो फ्लेम में मैंने भुना। अभी सूजी और ये आटा, ये इसका जो मिक्सर है, अच्छे से देखिए ये भून गया है, इसमें कलर भी अच्छे से आ गया है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ बेसन, और बेसन को हम ज़्यादा देर नहीं इसको भूनना है, हमने इसको 2 से 3 मिनट तक हमने भूनना है, क्योंकि जो बेसन है बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक हम करेंगे। भूनकर तैयार हो गया है अच्छे से हलवा। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी 1 कटोरी। मैंने चीनी की चाशनी नहीं बनाई, क्योंकि इसमें पानी हमें कम ज़्यादा करना होता है, तो ये इसमें चीनी है, बिना चाशनी के ही बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ नारियल, जो मैंने घिस के रखा था, ये नारियल डाल दिया, और थोड़ी सी किशमिश, 10-12 दाने किशमिश के हैं। अब इसको थोड़ा सा हमें पिलाना है, और पानी मैंने गरम करके रखा है, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। अब ये चीनी इसमें मिक्स हो गई है, अब इसमें हम पानी मिलाते हैं, और पानी हमने एक साथ नहीं डालना है,
थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब गैस को हम तेज कर देंगे, धीरे धीरे इसको करना, पानी गर्म है, ये देखिए आसानी से मिक्स हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन बेल दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। ये देखिए इसको धीरे धीरे हम बनाएंगे। फ्लेम तेज ही रखी हुई है, जब उबाल अच्छे से आ जाएगा तो बीच में थोड़ा स्लो करके इसको करेंगे। और जब तक हमने इसको करना है, इसमें घी निकल के आएगा और ये जो हलवा है पूरा ही अपना एक इकट्ठा हो जाएगा। अब ये हलवा हमारा ये तैयार हो गया है कितने अच्छे से, और ये सारा देखो अब इकट्ठा हो रहा है। इस पूरे पानी डालने के बाद जो हलवा बनाया उसमें 10 मिनट लगे हैं, तो 10 मिनट का समय लगता है इसको करने में। तो ये देखिए अब तैयार है, अब आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। फ्रेंड्स हमारा अभी ये हलवा बनकर ये तैयार है, अब इसको हम गार्निश करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ और ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और ये थोड़ा से मैं बादाम इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारा स्वादिष्ट हलवा बनके तैयार है।